जय हिंद। मैं आपका अपना दोस्त धर्मेंद्र कुमावत। तो लाइन बाय लाइन हिंदी एनसीईआरटी सीरीज अपन डिस्कस कर रहे हैं, और जो चैप्टर अपना चल रहा था वो था बायोटेक्नोलॉजी का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, जैव प्रौद्योगिकी एवं इसके उपयोग। एक सेशन अपन ने डिस्कस कर लिया है जिसमें कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग बताया अपन ने। वहां पर बीटी वाला जो पोर्शन इंपोर्टेंट था वो अपन ने डिस्कस कर लिया है, जहां से अधिकतर प्रश्न पूछते हैं। और आज अपन डिस्कस करेंगे इसके आगे के टॉपिक, चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग और पारजीवी जंतु, और सबसे लास्ट में नैतिक मुद्दे। उसके बाद में चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट, छोटा सा चैप्टर है। तो आपको करना क्या है, सेशन को पूरा देखना है, उसके बाद में एनसीईआरटी पढ़नी है। 100% क्लियर हो जाएगा। फिर भी नहीं होता है 0.1% क्लियर, तो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना है। डाउट की पिक्चर आपको भेजनी है तो कमेंट में तो नहीं भेज पाओगे, आपको इंस्टाग्राम पर इस आईडी से, इस नाम से मैं आपको मिल जाऊंगा। वहां पर आप मुझे अपने डाउट भेज सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। नेक्स्ट टॉपिक, चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग। तो पुनर्योगित डीएनए प्रौद्योगिकी विधियों का स्वास्थ्य सुरक्षा के क्षेत्र में अत्यधिक प्रभाव डाला है, क्योंकि इसके द्वारा उत्पन्न सुरक्षित वे अत्यधिक प्रभावी चिकित्सीय औषधियों का उत्पादन अधिक मात्रा में संभव है। किसके द्वारा? पुनर्योगित डीएनए प्रौद्योगिकी के द्वारा जो भी चिकित्सीय औषधियां बन रही है, एक तो उत्पादन उनका ज्यादा हो सकता है, अधिक मात्रा में उत्पादन उनका होगा, और साथ साथ में क्या होगा, सुरक्षित होगी और वो प्रभावी होगी। ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं कि चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग निम्न में से कौन सा नहीं है। तो ये दे देगा, सुरक्षित होगी, अत्यधिक प्रभावी होगी, उत्पादन अधिक मात्रा में होगा, या कम प्रभावी होगी। तो आंसर आपको दे देना है कम प्रभावी होगी। पुनर्योगित चिकित्सीय औषधियों का अवांछित प्रतिरक्षात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि ऐसा देखा गया है कि उपरोक्त उत्पाद जो अमानवीय स्रोत से विलगित किए गए हैं वे अवांछित प्रतिरक्षात्मक प्रभाव डालते हैं। तो पुनर्योगित तकनीक से जो भी मेडिसिन बन रही है उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन मनुष्य के लिए जो दूसरे जीव से अपन कुछ भी ले रहे हैं मेडिसिन के रूप में, तो वहां पर क्या मिलेगा, कोई ना कोई अवांछित प्रतिरक्षात्मक प्रभाव मिलेगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लीजिएगा। वर्तमान समय में लगभग 30 पुनर्योगित चिकित्सीय औषधियां विश्व में मनुष्य के प्रयोग हेतु स्वीकृत की जा रही है, और भारत में इसमें से कितनी है, 12 औषधियां जो है विपणित हो रही है। ठीक है, 30 में से 12 भारत। अब बात करते हैं आनुवांशिक निर्मित इंसुलिन की। तो वयस्कों में होने वाला जो मधुमेह है, इंसुलिन आपने सुना है, कहाँ सुना है, पाचन तंत्र में सुना होगा इंसुलिन ग्लूकेगोन, आपने अंतःस्रावी तंत्र जो 11th क्लास का 22वां चैप्टर है उसके अंदर सुना होगा, अग्न्याशय सुना होगा, वहां पर सुना है। तो मधुमेह जो है, डायबिटीज जो है, उसका नियंत्रण जो है निश्चित समय अंतराल पर इंसुलिन लेने से ही संभव है। सुना होगा कि इसको शुगर है, इंजेक्शन लगते हैं इसको शुगर के, तो वो इंसुलिन लगता है तरह से। तो मानव इंसुलिन पर्याप्त तो उपलब्ध ना होने पर मधुमेह रोगी क्या करेंगे, क्या करेंगे, खत्म हो जाएंगे फिर, और या उस पर विचार करने पर हम इस बात को स्वीकार करेंगे कि हमें अन्य जानवरों से इंसुलिन वियुक्त कर उपयोग में लाना होगा। पहले के टाइम में जब इतना टेक्नोलॉजी नहीं था या पुनर्योगज इंसुलिन नहीं बना था, तो दूसरे जो जीव जंतु है वहां से अपन ने क्या किया था, इंसुलिन को अलग किया था और उसको मनुष्य ले रहा था, लेकिन वहां से लेने के उसको कुछ साइड इफेक्ट हुए थे, कुछ एलर्जीज वगैरह हुई थी, तो वो फिर ज्यादा नहीं चल पाया। तो क्या अन्य जंतुओं में वियुक्त इंसुलिन मानव शरीर में भी प्रभावी है, और उसका मानव शरीर की प्रतिरक्षा अनुक्रिया पर कोई हानिकारक प्रभाव तो नहीं पड़ता है? पड़ता है। तुम कल्पना करो कि यदि कोई जीवाणु मानव इंसुलिन बना सकता है, तो निश्चय ही पूरी प्रक्रिया क्या हो जाएगी, सरल हो जाएगी, जो अपन ने 11वें चैप्टर में पढ़ ली ही पूरी प्रोसेस। तुम आसानी से ऐसे जीवाणु को अधिक मात्रा में विकसित कर जितना चाहे अपनी आवश्यकता के अनुसार इंसुलिन बना सकते हो। ठीक है, अब ये पूछ रहा है आगे का प्रश्न कि सोचो क्या इंसुलिन मधुमेह लोगों को
मुख से दिया जा सकता है या नहीं? मुख से नहीं दिया जा सकता, नहीं, इंसुलिन जो वो नहीं दिया जा सकता, इंसुलिन को कंट्रोल करने के लिए आपको टेबलेट दी जाती, इंसुलिन नहीं दिया जाता क्योंकि इंसुलिन का पाचन हो जाएगा आमाशय, इसीलिए नहीं दिया जाता, ठीक है। मधुमेह रोगियों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाला इंसुलिन जानवरों व सुअरों को मारकर उनके अग्नाशय से निकाला जाता था, क्यों? क्योंकि मनुष्य तो है ही मतलब ही। जानवरों द्वारा प्राप्त इंसुलिन से कुछ रोगियों में एलर्जी हो गई, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था प्रभाव की बात की थी, या बाह्य प्रोटीन के प्रति दूसरे तरह की प्रतिक्रिया होने लगी थी। इंसुलिन जो है वो दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का बना होता है जिसमें एक श्रृंखला ए और दूसरी बी, और ये आपस में जुड़ी रहती है डाइसल्फाइड बंध से। बहुत अच्छा प्रश्न ऐसा बन सकता है, श्रृंखलाएं कितनी होगी? दो होगी, तो ये अच्छा प्रश्न नहीं है। ए और बी श्रृंखला इंसुलिन में मिलती है, उसके बीच में मिलने वाला बंध कौन सा है? हाइड्रोजन बंध, डाइसल्फाइड बंध, पेप्टाइड बंध, या कोई सा भी, उपरोक्त सभी। तो आपको ध्यान में रखना है डाइसल्फाइड बंध द्वारा ए और बी श्रृंखला एक दूसरे से जुड़ी है, लेकिन ए जो है वो पॉलीपेप्टाइड है और बी भी क्या है? पॉलीपेप्टाइड है, तो वहां पर पेप्टाइड बंध मिलेगा, ये आप देख सकते हैं इस चित्र में, ठीक है। तो मानव सहित स्तनधारियों में इंसुलिन, प्राक इंसुलिन या प्रो इंसुलिन जिसे अपन कहते हैं इंग्लिश में, मतलब इनएक्टिव रूप से, इनएक्टिव से वो एक्टिव होता है, क्या होता है? इनएक्टिव से एक्टिव होता है। इनएक्टिव में जो पेप्टाइड चेन होती है वो कितनी होती है? तीन होती है, जबकि एक्टिव में दो होती है, जो ए और बी होती है वो एक्टिव में होती है। तो इनएक्टिव में क्या होती है? इनएक्टिव में एक तीसरी पेप्टाइड चेन होती है एक्स्ट्रा, जिसे अपन कहते हैं सी, सी श्रृंखला जिसे अपन कहते हैं। तो आप देखेंगे यहां पर ये अपने पास हो गया ए, ये अपने पास हो गया बी, और ये है सी, अलग अलग कलर में जो है, ठीक है ना। ये आपके पास प्राक इंसुलिन है, प्रो इंसुलिन जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, अभी एक्टिव नहीं है। कुछ समय बाद में क्या होता है, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड आपको बताया जा रहे हैं, कुछ समय बाद में जो सी है वो यहां से हट जाती है और बचता क्या है? बी और ए आपके पास बचता है, ठीक है। इसने अलग बताया है, यहां से आप नोमेनक्लेचर इसमें नामकरण में ना जाए, इसने स्वतंत्र सी जो बताई है, ये वाले बताई है सी, और ये ए और ये बी बताई है, ठीक है। मतलब इसके बीच में डाइसल्फाइड जो बॉन्ड है वो ए और बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा, तो ये सी स्वतंत्र हो गई है, मैच्योरता जो परिपक्वता उसकी मैच्योरिटी के बाद। तो ये लिखा है कि स्तनधारियों में इंसुलिन, प्राक इंसुलिन मतलब एंजाइम की तरह ही प्राक हार्मोन को पूर्ण परिपक्व विक्रियाशील हार्मोन बनने के पहले संसाधित होने की आवश्यकता होती है, मतलब इसमें चेंजेस होने की आवश्यकता होती है और वो संश्लेषित होता है। इसमें एक अतिरिक्त फैलाव होता है जिसे अपन पेप्टाइड सी कहते हैं, ये सी जो आपको बताया जा रहा है ये अलग ही जा रहा है और ये डाइसल्फाइड से जुड़े हुए, तो ये सी पेप्टाइड यहाँ से हट जाता है। यह सी पेप्टाइड परिपक्व इंसुलिन में नहीं होता है जो परिपक्वता के दौरान इंसुलिन से अलग हो जाता है। आरडीएनए तकनीकियों का प्रयोग करते हुए इंसुलिन के उत्पादन में मुख्य चुनौती यह है कि इंसुलिन को एकत्रित कर परिपक्व रूप में तैयार किया जाए, किसमें? आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए में, कि आपको क्या करना पड़ेगा, इकट्ठा उसको करना पड़ेगा, फिर सी को यहां से हटाना पड़ेगा। तो फिर क्या किया कि बाद में एक कंपनी ऐसी आई कि बोले कि ऐसा अपन क्यों नहीं कर सकते कि केवल जो ए और जो बी पेप्टाइड चेन है उन्हीं का ही निर्माण अपन करवाए, सी को लो ही मत, ठीक है। बढ़िया आइडिया था क्योंकि सी आखिर में अंत में तो हट ही रहा था ना। तो 1983 में एली लिली नामक एक अमेरिकी कंपनी ने दो डीएनए अनुक्रम को तैयार किया जो मानव इंसुलिन की श्रृंखला ए और बी के अनुरूप होती है, और इसे ई कोलाई के प्लाज्मिड में प्रवेश करवाकर इंसुलिन श्रृंखलाओं का उत्पादन किया। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कब किया, 1983 में। कहां की कंपनी थी? अमेरिका की थी। नाम क्या था? एली लिली नाम था। किसके प्लाज्मिड के साथ में जुड़ा? ई कोलाई के प्लाज्मिड के साथ में। तो इन अलग अलग निर्मित श्रृंखला ए और बी को निकालकर डाइसल्फाइड बंध बनाकर आपस में संयोजित कर मानव इंसुलिन का निर्माण किया। तो इजी हो गया ना, चिकित्सा में प्रयोग हो गया अपना बायोटेक्नोलॉजी। उसके बाद में आता है जीन चिकित्सा। जीन को ही आप सही कर दो, पता चल जाता है कि डॉक्टर्स को कि इस बच्चे में कोई ना कोई बीमारी है, ठीक है, जैसे बोन मैरो में है या किसी में भी, तो अर्ली स्टेज में अगर पता चलता है गर्भ में या पहले एक साल में, तो क्या हो सकता है कि उस बीमारी को कंप्लीटली ठीक किया जा सकता है, क्यूरेबल वो है,
अगर उस जो बीमारी करने वाला जो जीन है या डीएनए उसको हटा दे और अच्छा अगर उसमें लगा दे तो हो गया सही, लेकिन बाद में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है मैच्योर होने के बाद। तो यदि एक व्यक्ति आनुवंशिक रोग के साथ पैदा हुआ है तो क्या इस रोग के उपचार हेतु कोई चिकित्सा व्यवस्था है? तो है, जीन चिकित्सा एक ऐसा ही प्रयास है। जीन चिकित्सा में उन विधियों का सहयोग लेते हैं जिनके द्वारा किसी भ्रूण या बच्चे में चिन्हित किए गए जीन दोषों का सुधार किया जाता है। ठीक है, बच्चा इसने लिखा, बड़ा नहीं लिखा इस। उसमें रोग के उपचार हेतु जीनों को व्यक्ति की कोशिकाओं या ऊतकों में प्रवेश कराया जाता है। आनुवंशिक दोष वाली कोशिकाओं के उपचार हेतु सामान्य जीन को अभिव्यक्त या भ्रूण में स्थानांतरित करते हैं जो निष्क्रिय जीन की क्षतिपूर्ति करके उसके कार्य को संपन्न करता है। समझ में आ गया, इजी सा, इसके अंदर ज्यादा कुछ है नहीं। अब बात करें कि सबसे पहले कब हुआ था और किस बीमारी को सही करने के लिए हुआ था जीन चिकित्सा का प्रयोग। तो सबसे पहले 1990 में 4 वर्षीय जो लड़की थी उसमें ADA एडिनोसिन डी एमिनेज एक प्रकार का क्या है, ये एंजाइम है जिसके भी पीछे एज आता है वो होता है एंजाइम। तो एडिनोसिन डी एमिनेज की कमी को दूर करने के लिए किया गया था। अब दूर कर क्यों रहे, एडिनोसिन डी एमिनेज का काम क्या है? तो इसका काम है ये प्रतिरक्षा तंत्र में, किसमें, प्रतिरक्षा तंत्र के कार्य में ये महत्वपूर्ण है। अगर ये नहीं होगा तो हो सकता है कि बच्चे की प्रतिरक्षा तंत्र क्या हो, कमजोर हो, वीक हो। तो इस समस्या जो एंजाइम एडिनोसिन डीएमिनेज के लिए जिम्मेदार है इसके लोप होने के कारण होता है, मतलब इसकी कमी की वजह से होता है। तो इसकी कमी को अपन दूर कर सकते हैं अस्थि मज्जा जो है बोन मैरो जो है उसका प्रत्यारोपण करवाकर। ठीक है, जबकि दूसरों में एंजाइम प्रतिस्थापन चिकित्सा द्वारा उपचार किया जाता है जिसमें सुई द्वारा रोगी को सक्रिय एडी दिया जाता है। अब एडी है ही नहीं किसी के शरीर में तो दो ऑप्शन, या तो उसको समय अंतराल पर बार बार एडी दिया जाए, एडिनोसिन डी एमिनेज दिया जाए जैसे इंसुलिन अपन देते हैं, या आप क्या कर लो जो बोन मेरो है उसका ट्रांसप्लांट कर लो, प्रत्यारोपण कर लो अर्ली स्टेज में। ठीक है ना, अर्ली स्टेज में कर लेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी ज्यादा, लेकिन फिर भी ये दोनों विधियों में कमी है कि ये पूर्णतया रोगनाशक नहीं। जीन चिकित्सा में सर्वप्रथम रोगी के रक्त से लसीकाणु को निकालकर शरीर के बाहर संवर्धन करवाया जाता है, जो भी रोगी उसमें लसीकाणु, ठीक है, जो ब्लड का एक कंपोनेंट है लिम्फोसाइट जिसे अपन कहते हैं, बी और टी दो प्रकार की होती है और वही इम्यूनिटी में मदद करती है, 7वें सॉरी 8वें चैप्टर में पढ़ा है। तो इन कोशिकाओं को अपन ने बाहर निकाल लिया बी और टी को। अब बाहर निकालने के बाद में उसको संवर्धन किया और यहां इनके अंदर अपन ने डाला जो एक्टिव एडी है एडिनोसिन डीएनए है उसका सी डीएनए या पश्च विषाणु संवाहकर का प्रयोग कर लसीकाणु में अपन ने डाल दिया और वापस इनको क्या करेंगे रोगी के शरीर में अपन डाल देंगे। और ये जो कोशिका है मृत प्राय होती है इसीलिए आनुवंशिक के निर्मित कुल लसीकाणु को समय समय पर रोगी के शरीर से अलग करना है और वापस से डालना है। लेकिन अर्ली स्टेज की जो मैंने बात की थी उसका भी यहां पर रोल है। यदि मज्जा कोशिकाओं से विलगित अच्छे जीनों को प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था की कोशिकाओं से उत्पादित एडीए में प्रवेश करा दिया जाए तो ये क्या हो सकता है, स्थायी उपचार हो सकता है। जो भी मेरो की जो सेल है वहां से जो अच्छे जीन वाला जो भी कोशिका उसको अपन भ्रूणीय अवस्था में निकालेंगे जो उत्पादन कर रहा है और वापस एडीए में एडीए जो है प्रवेश करा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, परमानेंट वहां पर हो जाएगा। अब बात करते हैं आणविक निदान की। आप जानते हैं कि रोग के प्रभावी उपचार के लिए उसकी प्रारंभिक पहचान में उसके रोग क्रिया विज्ञान को समझना क्या है, अति आवश्यक है। उपचार की परंपरागत विधियां जिसमें सीरम व मूत्र विश्लेषण आदि का प्रयोग करते हुए रोग का प्रारंभ में पता लगाना संभव नहीं है। ठीक है, मान लीजिए HIV की अगर अपन बात करें तो इसके अभिलक्षण दिखने में भी लगभग 5 से 10 साल लग जाते हैं, लेकिन अगर किसी को डाउट है तो आप क्या करेंगे, पीसीआर तो सुना ही है आपने, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, वो काम में ले लेंगे। उसके अलावा जो आणविक निदान के कुछ यहाँ टॉपिक दे रखे हैं जिसमें एक आएगा पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया पीसीआर, एंजाइम संलग्न प्रतिरक्षा शोषक आमापन एलाइजर जिसे अपन कहते हैं, एलाइजर जो लिखा है इसकी फुल फॉर्म इस प्रकार से है,
का मतलब है एंजाइम, एल का मतलब लिंक मतलब जुड़ी हुई, आई का मतलब इम्यून इम्यून, एस का मतलब सोर्बेंट और ए का मतलब एसे। एंजाइम, लिंक, इम्यून, सोर्बेंट, एसे, ठीक है, जिसका हिंदी में भी नाम यहाँ लिखा है। तो ये कुछ ऐसी तकनीकें हैं जिससे प्रारंभिक पहचान अपन कर सकते हैं। रोगजनक की उपस्थिति का सामान्यतः तब पता चलता है जब उसके द्वारा उत्पन्न रोग के लक्षण दिखते हैं, जैसे 5 से 10 साल में एचआईवी का जो दिखता है, ठीक है। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे रोग हैं जिनकी काफी समय बाद दिखते हैं। उस समय तक रोगजनक की संख्या शरीर में पहले से काफी अधिक हो चुकी होगी, ठीक है। लक्षण दिख रहे हैं मतलब उनकी संख्या ज्यादा है, अब उनको कम कैसे करेंगे, ठीक है। जब बहुत कम संख्या में जीवाणु या विषाणु हैं तो लक्षण स्पष्ट नहीं दिखते। उनकी पहचान पीसीआर द्वारा न्यूक्लिक अम्ल के प्रवर्धन या एम्प्लीफिकेशन द्वारा कर सकते हैं। पीसीआर में एक डीएनए होगा ना, तब भी बता देगा कि वो चेंज हो चुका है। तो पीसीआर द्वारा डीएनए की बहुत कम मात्रा की पहचान कैसे की जा सकती, पिछले चैप्टर में पढ़ा दिया डिटेल्स, ठीक है। जैसे संदात्मात्मक एड्स रोगियों में एचआईवी की पहचान है तो पीसीआर आजकल सामान्यतः उपयोग में लाया जाता है। जिसको डाउट है कि नहीं हो सकता है तो काम में आता है। उसका उपयोग संदात्मक कैंसर रोगियों के जीन में होने वाले उत्परिवर्तन को पता लगाने में भी किया जा सकता है, कि कैंसर में ऐसा नहीं कि ट्यूमर बनेगी तभी दिखेगा कैंसर है या नहीं, तो उससे पहले भी वहां पर जो उत्परिवर्तन हुए उसका भी अपन पता लगा सकते हैं। और यह एक उपयोगी तकनीकी है जिसके द्वारा बहुत सारे दूसरे आनुवांशिक दोषों की पहचान की जा सकती है। डीएनए या आरएनए की एकल श्रृंखला से एक विकिरण सक्रिय अणु या संपरीक्षित जुड़कर कोशिकाओं के क्लोन में अपने पूरक डीएनए से संकरित होता है। जैसे ये कोई डीएनए की एकल लड़ी है या आरएनए की है, तो इसके अपोजिट जो होगा, इसके अपोजिट क्षारक वाला यहां पर आएगा, और वो कौन सा होगा, वो आपके पास होगा विकिरण सक्रिय अणु। विकिरण सक्रिय अणु का मतलब जो वहां पर छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल, जैसा आपने सुना होगा अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, ठीक है, ये जो कण है, सेम वैसे ही विकिरण यहां से निकालता है। रेडियो एक्टिव आपने सुना हो, ठीक है, रेडियो सक्रिय जिसे अपन कहते हैं, तो वो निकालते हैं। इसके पूरक जो होता है वो अपन काम में लेते हैं, जिसे बाद में क्या होता है, स्व विकिरण चित्र या ऑटो रेडियो द्वारा, रेडियोग्राफी द्वारा पहचान लेते हैं। जैसे ये ए है, ये टी है, ये सी है, जी, अगर इसमें कोई उत्परिवर्तन हुआ तो ये ए हो गया, ए ए सी जी हो गया मान लो, तब इसके अपोजिट जो था वो यहां पर आएगा, तो यहाँ टी बनेगा, यहाँ टी, यहाँ जी और यहाँ सी, जबकि बनना क्या चाहिए था, टी ए जी सी, ये होना चाहिए। तो पता लग जाता है कि हाँ भाई साहब इसमें क्या हो चुका है, चेंजेस हो चुका है, वो कलर दिख जाता है। इसे अपन कहते हैं स्व विकिरणी चित्रण या ऑटो रेडियोग्राफी, ठीक है, जहां से वो निकालेगा रेडिएशन या जो भी पार्टिकल है वो। क्लोन जिसमें उत्परिवर्तन जीन मिलते हैं छायाचित्र पटल या फोटोग्राफिक फिल्म पर दिखाई नहीं देते, जैसे यहाँ ए था या पहले ए टी सी जी था, तो अब ये क्या हो गया, ए ए सी जी हो गया, तो यहां पर क्या होगा, वो जो फिल्म पर जो भी इमेज है वो नहीं दिखाई देगी, क्योंकि यहां पर जो जीन है वो एक दूसरे के पूरक नहीं है, अपोजिट नहीं है। उसके बाद में एलाइजा की बात कर रहा है, ये प्रतिजन प्रतिरक्षी पारस्परिक क्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है। एलाइजा जो है वो किस पर काम करता है, एंटीजन एंटीबॉडी एक दूसरे के साथ में जो रिएक्ट करता है। एंटीबॉडी क्या करती है, शरीर में बनती है, प्रोटीन ही है एक तरह का, और एंटीजन क्या होता है, बाह्य कोई पदार्थ है जो एंटीबॉडीज के उत्पादन को प्रेरित करता है। तो जब एक दूसरे के साथ में क्रिया करते हैं तो उसे ही अपन कहते हैं प्रतिजन प्रतिरक्षी पारस्परिक क्रिया, ठीक है। अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रतिजन के लिए अलग अलग प्रतिरक्षी बनते हैं। रोग जनकों के द्वारा उत्पन्न संक्रमण की पहचान प्रतिजनों या प्रोटीन जन हो गया, ग्लाइको प्रोटीन हो गया, की उपस्थिति या रोग जनकों के विरुद्ध संश्लेषित प्रतिरक्षी की पहचान के आधार पर की जा सकती है, ठीक है। जैसे राइनो वायरस कॉमन कोल्ड मेरे शरीर में घुसा तो उसके अपोजिट जो बन रहा है प्रति जो रक्षी बनेगा, या तो आप पहचानोगे कैसे, या तो प्रतिजन की उपस्थिति, मेरे शरीर में प्रतिजन घुस गया उस वो उपस्थित है तब तो बीमारी है, या इसके अगेंस्ट जो बन रही है प्रतिरक्षी, उसके विरुद्ध जो बन रही है प्रतिरक्षी, उससे भी आप पता लगोगे, और वो डिपेंड करेगा किस प्रकार का जीव अपने शरीर में घुसा है, ठीक है।
नेक्स्ट बात करते हैं पारजीवी जंतु या जिसे कहते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स। पारजीवी जंतु शब्द से ही पता चल रहा है ट्रांसजेनिक, मतलब इसमें भी आपने क्या किया है, रिकॉम्बिनेशन या जो पुनर्योजक डीएनए है उसका आप काम में लोगे, उस तकनीक को आप काम में लोगे। तो ऐसे जंतु जिनके डीएनए में परिचालन द्वारा एक अतिरिक्त या बाहरी जीन व्यवस्थित होता है जो अपना लक्षण व्यक्त करता है उसे अपन कहते हैं पारजीवी जंतु। सेम वही प्रोसेस है पूरी, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल जैसे चूहे, खरगोश, सुअर, भेड़, गाय, मछलियां आदि जो है पैदा हो चुके हैं इस प्रोसेस। उसके बावजूद उपस्थित पारजीवी जंतुओं में 95% से अधिक क्या है, चूहे हैं। उस तरह के जंतुओं का उत्पादन क्यों किया जाता है, इस तरह के परिवर्तन से मानव को क्या लाभ है? तो चूहों की रही बात, तो जितनी भी टेस्टिंग्स होती है मनुष्य के लिए, मनुष्य का जो भी उत्पाद होगा चाहे मेडिसिन हो चाहे दूसरा हो, तो जो छोटे जीव है उन पर पहले की जाती है, फिर थोड़ा बड़े, फिर थोड़ा बड़े, देखते हैं उसी के लिए चूहे जो सबसे ज्यादा पारजीवी जंतुओं में है 95%। अब कुछ सामान्य कारणों का पता अपन लगाते हैं, क्योंकि मनुष्य मतलब ही है तो उसको वहां पर भी देखना है कि किसी दूसरे जंतु से कोई ना कोई प्रोडक्ट ले ले जो अपने लिए काम में आएगा। तो इसके एग्जाम्पल भी आएगा गाय वगैरह का, तो वो अपन डिस्कस करें। पहला है कि सामान्य शरीर क्रिया व विकास, इसलिए पारजीवी जंतु बना रहे हो, सामान्य शरीर वे विकास है। तो पारजीवी जंतुओं का निर्माण विशेष रूप से इस प्रकार किया जाता है जिनमें जीनों के नियंत्रण वे इनका शरीर के विकास वे सामान्य कार्यों पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, कि जीन शरीर में किस प्रकार से नियंत्रण कर रहे हैं, उनका शरीर के विकास में क्या योगदान है, सामान्य कार्यों पर क्या प्रभाव है, वो सब स्टडी अपन करते हैं। इसीलिए जैसे विकास में भागीदार जटिल कारकों जैसे इंसुलिन की तरह विकास कारक का अध्ययन, इंसुलिन का अपन को पता है कि इंसुलिन की मात्रा अगर शरीर में चेंज होती है तो डायबिटीज या मधुमेह होता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या किया गया, फिर एली लिली कंपनी ने बनाया, तो वो एक तरह से सब कुछ हो रहा है सिस्टम से। दूसरी जाति के जो जीन है उनको प्रवेश कराने के उपरांत उपरोक्त कारकों के निर्माण में होने वाले परिवर्तनों से होने वाले जैविक प्रभाव का अध्ययन तथा कारकों के शरीर में जैविक भूमिका के बारे में सूचना मिलती है। इजी है, कोई दिक्कत नहीं। फिर आता है रोगों का अध्ययन। अनेक पारजीवी जंतु इस प्रकार निर्मित किए जाते हैं जिससे रोगों के विकास में जीन की भूमिका क्या होती है वो पता लगाया जाता है। तो अगर आपको पता लग गया कि किसी भी रोग का, जैसे मान लो कैंसर का, बुखार का या कोई दूसरा रोग है, तो उसमें इस जीन की भूमिका है, तो उस जीन को अगर अपन फेर बदल कर दें तो पता लग जाएगा और उसे अपन रोक सकते हैं। तो यह विशिष्ट रूप से निर्मित है जो मानव रोगों के लिए नमूने के रूप में प्रयोग किए जाते हैं ताकि रोगों के लिए नए उपचार का अध्ययन हो सके। वर्तमान समय में मानव रोगों जैसे कैंसर, पुटीय रेशामेता, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रेमेटोइड संधिशोथ या ऑर्थराइटिस जिसे अपन कहते हैं, और एल्जमेर आदि हेतु पारजीवी नमूने उपलब्ध है। तो जो चारों आपको बता रखे हैं मानव रोग, इनको आपको ध्यान में रखना है, नीट में पूछा जा सकता है। फिर आता है जैविक उत्पाद। कुछ मानव रोगों के उपचार के लिए औषधि की आवश्यकता होती है जो जैविक उत्पाद से बनी होती है। ऐसे उत्पादों को बनाना अक्सर बहुत महंगा है। पारजीवी जंतु जो उपयोगी जैविक उत्पाद का निर्माण करते हैं उसमें डीएनए के भाग को प्रवेश कराते हैं और विशेष उत्पाद के निर्माण में भाग लेते हैं। जैसे उदाहरण लिखा है, मानव प्रोटीन एल्फा फर्स्ट एंटी ट्रिप्सिन, एल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन, ये मानव प्रोटीन है। इसका उपयोग एम्फाइसीमा के निदान में होता है, और एम्फाइसीमा आपने 11th क्लास के 17वें चैप्टर में पढ़ा है, एम्फाइसीमा सिगरेट स्मोकिंग, ठीक है, उसकी वजह से होता है। तो जो प्रोटीन है एल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन उसको काम में लेते हैं अपन, तो इसका भी कहीं ना कहीं से क्या हो रहा, प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक इसी तरह का प्रयास फिनाइल किटोनेरिया या PKU इसे बोला गया है शॉर्ट में, जेनेटिक्स में आपने इसे डिटेल से पढ़ा, फिनाइल किटोन यूरिया, ठीक है, वे पुटीय रेशामेता की निदान हेतु किया जाता है, किया गया है इसका जो प्रयास। वर्ष 1977 में सर्वप्रथम पारजीवी गाय रोजी मानव प्रोटीन दुग्ध संपन्न
पूछा गया यह प्रश्न, ध्यान में रखना है। 1977 में रोजी नाम की जो गाय थी 2.4 ग्राम प्रति लीटर जो प्रोटीन है उससे प्राप्त किया गया। इस दूध में मानव एल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन मिलता है जो मानव शिशु हेतु अत्यधिक संतुलित पोषक तत्व है और जो साधारण गाय के दूध में नहीं मिलता है। तो वो गाय कौन सी थी? रोजी गाय थी, पारजीवी गाय थी। उसमें आपने चेंजेस किए हैं उसके डीएनए में, उसके जीन में। तीनों पॉइंट आपको ध्यान में रखना, एम्फाइसीमा, रोजी का, और जो सबसे लास्ट में कितना जो मिल रहा है प्रोटीन वो 2.4 ग्राम प्रति लीटर, ठीक है, अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन। फिर आता है टीका सुरक्षा, टीकों की जो जांच पड़ताल कर रहे हैं अपन, पहले उन पे किया जाएगा, उसके बाद में अपन पे किया जाएगा। लेटेस्ट उदाहरण उदाहरण जो है वो कोविड का है। टीकों का मानव पर प्रयोग करने से पहले टीके की सुरक्षा जांच के लिए पारजीवी चूहों को विकसित किया गया। 95% जो चूहे थे, एक कारण ये भी है। पोलियो टीका की सुरक्षा जांच के लिए पारजीवी चूहों का उपयोग किया जा चुका है, ये ध्यान में रखना। कौन सी बीमारी के लिए? वैसे तो मोस्टली किया गया, लेकिन एनसीईआरटी में दे देगा आपको ये, पोलियो, एम्फाइसीमा, सिस्टिक फाइब्रोसिस या उपरोक्त सभी। तो निम्न में से जो पूछेगा कौन सी बीमारी के लिए जो है पारजीवी चूहों का उपयोग किया गया है, तो आंसर होगा पोलियो। यदि उपरोक्त प्रयोग सफल व विश्वसनीय पाए गए तो टीका सुरक्षा जांच के लिए बंदर के स्थान पर पारजीवी चूहों का प्रयोग किया जा सकेगा, बंदर का भी उपयोग किया जा सकता है। फिर आता है रासायनिक सुरक्षा परीक्षण, यह अविषालुता सुरक्षा परीक्षण कहलाता है, अविषालुता सुरक्षा परीक्षण, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो अविषालु पदार्थ है उसके प्रति जो भी पारजीवी जंतु उसको बनाते हैं अति संवेदनशील, ठीक है, जबकि ए पारजीवी में ऐसा नहीं होता है। देखते हैं, यह वही विधि है जो औषधि अविषालुता परीक्षण हेतु प्रयोग में लाई जाती है। औषधि में जो भी अपन टेस्ट कर रहे हैं, पारजीवी जंतुओं में मिलने वाले कुछ जीन इसे अविषालु पदार्थों के प्रति अति संवेदनशील बनाते हैं, जबकि ए पारजीवी जंतुओं में ऐसा नहीं है। पारजीवी जंतुओं का अविषालु पदार्थों के संपर्क में लाने के बाद पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है कि वो सुरक्षित है या नहीं है। उपरोक्त जंतुओं में अविषालुता परीक्षण करने से कम समय में परिणाम प्राप्त हो जाता है, ठीक है। ये तो कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स थे वो कंप्लीट हो गए यहाँ पर। अब सबसे लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का वो है नैतिक मुद्दे, कि जो अपन कर रहे हैं वो सही है या नहीं, पड़ोसी देश में जो चल रहा है वो सही है या नहीं, क्या वो कुछ चुरा तो नहीं रहा है अपने से, वो सब कुछ, ठीक है। मानव जाति द्वारा अन्य जीवधारियों से हित साधन बिना विनिमय के और अधिक नहीं किया जा सकता, क्या आप दे रहे हो दूसरे जाति को, दूसरे जीवों को? कुछ भी नहीं दे रहे, अपन तो सिर्फ ले ही रहे हैं। तो ये कह रहा है कि और अधिक नहीं किया जा सकता जो भी अपन कर रहे हैं वो। सभी मानवीय क्रियाकलापों के लिए जो जीवधारियों के लिए ए सुरक्षात्मक या सहायक हो, उनमें आचरण की परख के लिए कुछ नैतिक मानदंडों की आवश्यकता है। ऐसे मुद्दों में नैतिकता से इनके जैव वैज्ञानिक महत्व भी है, कुछ ना कुछ महत्व आपको उनको देना पड़ेगा, वही नैतिक मुद्दे हैं। जीव के अनुवांशिक रूपांतरण के तब एक प्रत्याशित परिणाम निकल सकते हैं जब ऐसे जीवों का पारिस्थितिक तंत्र में सन्निविष्ट कराया जाए। जैसे मान लो आपको चूहे ने, आपने क्या कर दिया, चूहे को आपने परिवर्तित कर दिया, वो पारजीवी चूहा बना दिया, और ऐसे 1,000 जो चूहे हैं वो पर्यावरण में आ गए। अब पर्यावरण को तो पता ही नहीं है कि उसके अंदर आपने चेंजेस कराए, वो तो आपको पता है। तो क्या होगा, वहां पर एक प्रत्याशित परिणाम निकलेंगे। इसीलिए भारत सरकार ने ऐसे संगठनों का स्थापित किया है जैसे कि GEAC, इसका पूरा नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। वो कमेटी बना दे कि वो अप्रूव करेगी तभी कुछ होगा, नहीं तो नहीं हो सकता। तो आनुवांशिक अभियांत्रिकी संस्तुति समिति या जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, जो कि जीएम अनुसंधान संबंधी कार्यों की वैधानिकता और जन सेवाओं के लिए जीएम जीवों के सन्निवेश की सुरक्षा आदि के बारे में निर्णय लेगी। जन सेवा, इसमें आहार आया, जैसे चिकित्सा स्रोत आया, उसमें जीवों के रूपांतरण या उपयोगिता जो इनके जीवों के लिए अनुमत एकस्व की समस्याएं उत्पन्न हुई है। जनमानस में इस बात को लेकर आक्रोश है कि कुछ कंपनियां जो है अनुवांशिक पदार्थ को, पौधों को, अन्य जैविक संसाधनों का उपयोग करके बनने वाले उत्पाद व तकनीकी के लिए एकस्व या पेटेंट प्राप्त कर रहे हैं,
जैसे हमारे यहाँ पर मान लो मानना है कि पालक जो है वो अच्छी पैदावार हो रही है, तो मैं क्या करूंगा उसका मैं पेटेंट करवा लूंगा कि भाई साहब जो भी होगा वो मेरे द्वारा ही होगा, कोई अन्य नहीं कर सकता। ठीक है, तो बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसा कर रही है कि जो भी आपके पास है जो उत्पाद है तकनीकी के लिए वो एकस जो भी है सब कुछ मेरा है, जबकि ये बहुत समय पहले से ही विकसित हुए पहचानी जा चुके, पालक पहले से ही था, लेकिन अब मैं कह रहा हूं मैंने पेटेंट करवा लिए हैं, तो किसान और विशेष क्षेत्रीय देश के लोगों द्वारा इसका उपयोग किया जा रहा है। धान एक महत्वपूर्ण खाद्यान्न है जिसके बारे में हजारों वर्ष पूर्व एशिया के कृषि के इतिहास में वर्णन मिलता है। एक अनुमान के अनुसार केवल भारत में धान की लगभग 2 लाख किस्में ही, इंपोर्टेंट डेटा आपको ध्यान में रखना है। भारत में धान की जो विविधता है वे विश्व की सर्वाधिक विविधताओं में से एक है। बासमती धान अपनी सुगंध व स्वाद के लिए मशहूर है और इसकी 27 जो किस्में है वो पहचानी गई है भारत के अंदर, अकेले भारत के अंदर। ध्यान में रखना है 27 तो है ही, लेकिन किसके लिए मशहूर है, बोल देगा आकार के लिए। ठीक है, ध्यान में रखना सुगंध व स्वाद के लिए। पुराने ग्रंथों लोक साहित्य वे कविताओं में बासमती का वर्णन मिलता है जिससे यह पता चलता है कि ये कई सौ वर्षों से पहले उगाया है। लेकिन 1977 में एक अमेरिकी कंपनी ने बासमती धान पर अमेरिकन एकस व ट्रेडमार्क कार्यालय द्वारा एकस अधिकार प्राप्त कर लिया, तो ये था एक्चुअल में इंडिया का, लेकिन अमेरिका वालों ने इस पर पेटेंट करवाया। इससे कंपनी बासमती की नई किस्मों को अमेरिका व विदेशों में बेच सकती है। बासमती की ये यही किस्म वास्तव में भारतीय किसानों की किस्म से विकसित की गई थी। तो ऐसे लोगों को अपन क्या कहेंगे, ये कहेंगे ऐसे लोगों को। ठीक है, भारतीय बासमती की अर्ध बोनी किस्मों से संकरण कराकर नई खोज या एक नई उपलब्धि का दावा किया। उन्होंने क्या किया गया, बोले सेम ही थी बोल, लेकिन उसमें आधे बोनी जो किस्म से उससे संकरण करवा दिया। ठीक है, बाकी था तो एज इट इज बोल। एकाधिकार के लागू होने के बाद इस एकाधिकार के तहत अन्य लोगों द्वारा बासमती का विक्रय प्रतिबंधित हो सकता था, बोल दिया उसने मैं ही बेचूंगा कोई नहीं बेचेगा। मल्टीनेशनल कंपनियों में दूसरे संगठनों द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना व्यवस्थित अनुमोदन व क्षतिपूर्वक भुगतान के जैव संसाधनों का उपयोग बायो पायरेसी या जैव जैविक चोरी इसे अपन कहते हैं। मेरा पालक था, मेरी पालक जो था उसके मेरी बिना परमिशन के आप उसे बेच रहे हो किसी दूसरी जगह पर, तो वो क्या है, बायो पायरेसी, जैविक चोरी भी इसे अपन कहते हैं। बहुत सारे औद्योगिक राष्ट्र आर्थिक रूप से काफी संपन्न हैं, लेकिन उनके पास जैव विविधता एवं परंपरागत ज्ञान की कमी है। इसके विपरीत विकसित वे अविकसित विश्व जैव विविधता वे जैव संसाधनों से संबंधित परंपरागत ज्ञान से संपन्न है। जो विकसित है वो तो संपन्न है कि अपने पास कितनी डाइवर्सिटी, अपन क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। ठीक है, जैव संसाधनों से संबंधित परंपरागत ज्ञान का उपयोग आधुनिक उपयोगों में किया जा सकता है, जिसके फलस्वरूप इसके व्यापीकरण के दौरान समय शक्ति व खर्च को बचाया जा सके। इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। विकसित एवं विकासशील राष्ट्रों के बीच अन्याय ए पर्याप्त क्षतिपूर्ति व लाभों की भागीदारी के प्रति भावना विकसित हो रही है। इसके कारण कुछ राष्ट्रों ने अपने जैव संसाधनों व परंपरागत ज्ञान का बिना पूर्व अनुमति के उपयोग पर प्रतिबंध के लिए नियमों को बना रहे, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। विकसित वे विकासशील, अच्छा ये तो पढ़ने पढ़ लिए। भारतीय संसद ने हाल ही में भारत एकस बिल, इंडियन पेटेंट बिल में दूसरा संशोधन पारित किया है जो ऐसे मुद्दों को ध्यानार्थ लेगा जिसके अंतर्गत एकस्व नियम संबंधी आपातकालीन प्रावधान और अनुसंधान एवं विकासीय प्रयास शामिल है। तो क्या शामिल है क्या नहीं है ये आपको जरूरी नहीं पूछेगा, ये जरूर पूछ सकता है इंडियन पेटेंट बिल। ठीक है, क्लियर है। तो यहां पर जो है अपना चैप्टर जो होता है वो होता है कंप्लीट, चैप्टर होता है कंप्लीट। उम्मीद मैं करता हूं आपको समझ में आया है अच्छे से। इसके बाद में आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, उसके बाद में वैसे कोई डाउट नहीं रहेगा जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ। उसके बाद में अगर डाउट रहता तो आप कमेंट सेक्शन आपके लिए खुले हैं 24/7। ठीक है, कोई भी यहाँ पर नहीं जानता, आप किसी भी प्रकार का सवाल पूछो जवाब आपको 100% मिलेगा। लेकिन अगर आपको एनसीईआरटी के कोई पैराग्राफ में दिक्कत है, मॉड्यूल के क्वेश्चन आप सोल्व कर रहे हो, टेस्ट पेपर के क्वेश्चन आप सोल्व कर रहे हो, उसका पूरा आप ऑप्शन के सहित नहीं भेज सकते, आपको पिक्चर के साथ में पूछना है, तो
तो आपको मैं इंस्टाग्राम पर इस आईडी से मिलूंगा, वहां आप सर्च कीजिएगा ये आईडी, ठीक है, MYDHARMEN। इस पर आप मुझे जो भी पिक्चर भेजेंगे, जो भी डाउट भेजेंगे किसी भी प्रकार का, तो वो आपका डाउट क्लियर 100% करने की कोशिश रहेगी, ठीक है। यहाँ पर ये यूनिट होती है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।